हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल आज हम बात करेंगे महिंद्रा एस के बारे में स्कॉर्पियो थर्ड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं आता है सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ जो मिलेगा आपको सिक्स पेंड मानवल गेर बॉक्स के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक या फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता जो पहले मिलता था यहाँ पे मिलेंगे आपको टोटल फाइव दर्जेंस शुरू होता है सिक्सटीन लाख टेन थाउजेंड रुपी से लेकर ट्वेंटी टू ,00 लाख रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू डेली ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं ये ए सी टॉप वेरेंट जो पड़ेगा आपको बाईस लाख रुपये का जो मिलता है आपको सिक्स पेंड मानवल में ही कुछ ऐसे देखते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक यहाँ पे मिलती है आपको क्रोम इंसर्ट के साथ इम्पोजिंग फ्रंट ग्रिल जो लगते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे मिलते हैं आपको वर्टिकल स्लैट्स क्रोम इंसर्ट के साथ महिंद्रा का लोगो ऐसी मिलती है आपको इसकी लोअर ग्रिल यहाँ पे लगी आई डॉन्ट किट के एसेसरी फ्रंट बंपर पे जिसका प्राइस है एटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ सिल्वर स्केट प्लेट का फीचर मिलता है आपको इस वेडियंट के साथ यहाँ पे मिलता है आपको व्हाइट कलर का रिफ्लेक्टर क्रोम हाँ बेजल के साथ मिलेगा आपको फ्रंट फॉग लैम जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब में यहाँ पर मिलता है आपको एल ई का फीचर जो पार्किंग लाइट्स पर ही ऑन होएगा यहाँ पे मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलम्प्स ये मल्टी रिफेक्ट हेडलम्प्स मिलते हैं आपको हाई बीम के साथ स्टार्टिंग बेडिंग टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है आपको इस हेडलम्प यूनिट में फॉलो मी होम एंड लीड मी टू वहीकल हडलम्स का भी फीचर मिलता है आपको इधर इधर मिलता है आपको डबल विशपोन टाइप के साथ इंडिपेंडेंट फ्रंट कॉल स्प्रिंग का, का, का सस्पेंशन पीछे मिलेगा आपको मल्टी लिंक कॉल स्प्रिंग का सस्पेंशन एंटी रोल बार के साथ बोनेट स्कूप का फीचर मिलता है आपको इंजन बोनेट पे सिंगल वॉशर का फीचर मिलेगा आपको इधर दो वाइपर्स कुछ जितने साइज़ की मिलती है आपको फ्रंट विंड फील्ड यहाँ पे मिलता है आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर टॉप वेरियंट के साथ यहाँ पे मिलेगा आपको सेंसर माइक्रो रूफ एंटीना और इसका रूफ स्की रैक का फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलेगा आपको ब्लैक फिनिश में यहाँ लगी है रेन वाइजर के एस ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ में ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ट बॉडी कलर्ट ओ आर एम मिलेंगे आपको एल ई डी टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पर मिलता है आपको बिजल सिल्वर फिनिश में एम हॉक डी वन फोटी की बाजिंग मिलेगी आपको इधर इधर मिलते हैं आपको सिल्वर एलोई व्हील सेवनटीन इंच में फाइव स्पोक एलोई व्हील्स मिलते हैं आपको ये फीचर मिलता है आपको टॉप वेन के साथ ही टायर प्रोफाइल की बात करें तो मिलेगा आपको टू थर्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव आर सेवनटीन रेडियल ट्यूबलेस टायर फ्रंट में डेस्क एंड वेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको स्कॉर्पियो के हर वेरन के साथ बिग व्हील आर्चेस मिलते हैं आपको जो बनाता है इसकी साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर साइड फुट स्टेप मिलेंगे आपको ब्लैक फिनिश में बड़े साइज की साइड क्लाडिंग मिलती है आपको जो मिलेगी आपको बॉडी कलर्ट स्कॉर्पियो की बाजिंग मिलती है आपको लेफ्ट एंड राइट बॉडी कलर्ट आउटसाइड डोर हैंडल्स बी पिलर मिलता है आपको ब्लैकआउट सी पिलर भी आपको ब्लैकआउट मिलेगा एंड डी पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर रेयर स्पॉयलर का भी फीचर मिलता है आपको इधर और कुछ ऐसे दिखता है इसका रेयर प्रोफाइल लुक स्कॉर्पियो के टॉप पेरेंट का टू ईयर्स या सेवेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको स्कॉर्पियो में स्टैंडर्ड आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू फोर और फाइव ईयर्स डीलर के थ्रू कुछ ऐसे दिखती है इसकी रेयर प्रोफाइल रेयर बम्पर पर आपको मिलते हैं दो रिफ्लेक्टर्स रेयर फॉग्रम का फीचर नहीं मिलता आपको महिंद्रा स्कॉपियो में यहाँ मिल जाता है आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फीचर जो है स्टैंडर्ड फीचर चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल यहाँ पे मिलेगी आपको स्कॉपियो की बैजिंग उसके नीचे है वेरियंट की बैजिंग यहाँ पे है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बैजिंग टेल गेट अपलिक मिलती है आपको क्रोम फिनिश के साथ महिंद्रा का लोगो और यहाँ मिलता है आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ से खोल सकते हैं आप टेल गेट को एरोब्लेट रेयर वाइपर का फीचर मिलता है आपको इधर रेयर डी फॉगर माउंट स्टॉप लम्प मिलेगा आपको एल में लिप यंग एंड लिप फ्री का स्टीकर यहाँ पर मिलता है आपको वॉशर यहाँ पे मिलेंगे आपको रेड लेंस एल टेल लैंप्स कापियो के एम्बॉजिंग के साथ जो ऑन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं डी शेप में मिलते हैं आपको इसके टेल लैंप्स ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड रेयर बंपर में मिलता है आपको रिफ्लेक्टर का फीचर ये राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलेंगे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स चार नहीं मिलेंगे ये इसका टोइंग हुक लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक फिनिश में मिलेगा आपको इसका रेयर फुट स्टेप यहाँ पर मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर ब्लैक स्टील व्हील में राइट हैंड साइड पे है एक्सॉट पाइप हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स का फीचर मिलता है आपको सस्पेंशन सेटअप में और यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है इस टेल गेट पर और कुछ ऐसा दिखता है इसका टेल गेट बेच कलर की मिलती है आपको यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे मिलेंगे आपको दो स्पीकर्स फ्रंट टू डोर्स पे और यहाँ पे मिलते हैं आपको स्पीकर्स कुछ ऐसी मिलती है आपको क्वालिटी ये है इसका सेवन कैप्टन सीट्स का मॉडल एस इलेवन के साथ आपको सेवन साइड फेसिंग एंड एट फ्रंट फेसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे कुछ इतना आपको स्पेस मिल जाता है सेवन कैप्टन सीट्स के साथ जो मिलता है आपको सिर्फ ऐसे एलेवन वेरियंट के साथ ही इधर से खोल सकते हैं आप डीज़ल एक्सॉट फ्लोइड को यहाँ से आप डाल सकते हैं आठ ब्लू बी एस सिक्स नॉम होने की वजह से एंड लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको एक ऐसा लीवर मिलता है इधर से आप खोल सकते है हैं फ्यूल टैंक को इधर मिलती है आपको सिक्सटी लीटर्स की फ्यूल टैंक कपासिटी इधर से आप डाल सकते हैं डीजल को एंड थर्ड रो की सीट्स को आप बेंच फोल्ड भी कर पाएंगे यहाँ पे मिलता है आपको एक लीवर इसके थ्रू आप बेंच फोल्ड कर पाएंगे और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए सेवन साइड फेसिंग सेटिंग ऑप्शन का फीचर मिलता है आपको हर वेरिएंट में यहाँ पे मिलता है आपको फिक्स क्रैब हैंडल कोट का भी फीचर मिल जाएगा कप होल्डर का फीचर नहीं मिलता आपको थर्ड रो की सीट्स पर ना ही मिलेगा आपको कोई रियर एसी वैन फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स एंड थर्ड रो की विंडो को आप स्लाइटली खोल पाएंगे कुछ हवा पाने के लिए कुछ इतनी आप खोल पाएंगे मैक्सिमम आइए टेलगेट को बंद कर देते हैं आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं यहाँ मिल जाती है आपको बेज कलर की डोर पैडिंग डार्क ब्लू फैब्रिक इंसर्ट के साथ बिग साइज़ की ग्लास विंडो मिलती है आपको ये इसका राइट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर यहाँ पे मिल जाता है आपको कुछ ऐसे फिनिश का ग्रैब हैंडल मैट फिनिश मिलता है आपको इधर यहाँ पे है सिल्वर एक्सिंग का, का काम ये इसका फैब्रिक इंसर्ट का फीचर पावर विंडो का स्विच डोर माउंटेड आमरेस्ट मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल लॉक लॉक बटन मोबाइल होल्डर बॉटल होल्डर और यहाँ पे देखने को मिल रेस कफ प्लेट के एसेसरी एलुमिनेशन इफेक्ट के साथ इसका प्राइस है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज़ फॉर द फोर कप प्लेट्स ब्लैक फॉक्स लेदर सीट्स का फीचर मिलता है आपको टॉप फेन के साथ जो मिलेगा आपको डार्क ब्लू फैब्रिक इंसर्ट के साथ तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं एंड थर्ड रो में जाने के लिए आपको इस लीवर को स्लाइटली लिफ्ट करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए एंड इस लीवर से आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे थर्ड रो में जाने के लिए ये फ़ीचर मिलता है आपको दोनों सीट्स पे ये है सेवन कैप्टन सीट वेरियंट कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स रियर में मिलता है आपको आमरेस थर्ड रो की सीट पे जो कंपटीशन ऑफर नहीं करता है इस सेगमेंट में कप होल्डर का फीचर नहीं मिलेगा आपको रियर आमबरेस पे लेग स्पेस की बात करें तो कुछ इतना आपको लेग स्पेस मिल जाता है थर्ड रो की सीट्स पर बॉटल होल्डर का फीचर नहीं देखने को मिल रहा इधर एंड इसी तरीके से आप लेफ्ट एंड साइड सीट को भी टम्बल फोल्ड कर पाएंगे आइसोफिक्स सीट माउंट्स का फीचर नहीं मिलता आपको महिंद्रास्कॉपियों में चाहे आप सेकेंड रो की बात करें या थर्ड रो की बात करें सीट बैक पॉकेट की बात करें तो मिलेगी आपको फ्रंट पैसेंजर सीट के पीछे यहाँ मिलते हैं आपको दो रियर एसी वेंट ब्लैक फिनिश में यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं दो कप होल्डर्स मिलते हैं आपको इधर एंटी स्लिप मैट के साथ और इधर है ट्वेल्व वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट एंड मिडल सेक्शन के हम की बात करें तो कुछ इतना आपको हम्प मिलता है स्कॉपियो में और यहाँ पर मिलते हैं आपको इंडिविजुअल आमब्रिस्ट कैप्टन सीट्स पे फ्रंट रो एंड सेकेंड रो में एंड थर्ड रो में भी आपको आमब्रिस्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ भी आपको मोबाइल होल्डर एंड बॉटल होल्डर का फीचर मिल जाता है फिक्स ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको कोटुक फीचर के साथ टोटल पाँच ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे आपको हर ग्रैब हैंडल में आपको कोटुक का फीचर देखने को मिल जाएगा महिंद्रास्कॉपियों में यहाँ पर मिलती है आपको एक रीडिंग लाइट सेकेंड एंड थर्ड रो के बीचों बीच जो मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ और आगे मिलती है आगे मिलेंगी आपको तीन रीडिंग लाइट्स इस तरीके से आप इनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाएगी एंड इसके फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो डुअल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज कलर विद सिल्वर एक्सेंट कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर सेकंड रो से फोर्स पोक हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको महिंद्रा स्कॉपियो में ब्लू कलर की इलुमिनेशन लाइट का फीचर मिलेगा आपको इधर और ये गाड़ी को ऑन करने के बाद के की लुक फ्रंट डैशबोर्ड की फ्रॉम द सेकंड रो आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं ये है इसका साइड प्रोफाइल लुक लेंथ मिलेगी आपको डबल फोर फाइव सिक्स विथ है वन एट टू जीरो हाइट है वन डबल नाइन फाइव एंड व्हील बेस है टू सिक्स एट जीरो एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 209 जीरो नाइन टर्निंग रेडियस है 5.4 पॉइंट फोर मीटर्स कव वेट है 1825 किलो का एंड ग्रॉस वेट है 2530 किलो का फ्रंट इंजन एंड रियर व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको स्कॉपियों में पहले आपको फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता था जो अब अवेलेबल नहीं है एंड इसके टॉप पेरिंग के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको डूबल फ्रंट ए बैग्स ए रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक असिस्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एमरजेंसी कॉल एंटीथेट सिस्टम टायर ट्रॉनिक सिस्टम रेन एंड लाइट सेंसर्स स्पीड अलर्ट सिस्टम सीट बेल्ट रिमाइंडर लैंप, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक पैनिक ब्रेक इंडिकेशन क्लाप्सिबल स्टेयरिंग कॉलम साइड इंट्रीशन बीम्स मानवल ओवर सिस्टम इंजन अमोबलाइजर सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम रियर डोर एंड टेलगेट साइड सेफ्टी लॉक डोर अजार लो फ्यूल लेवल लाइट रिमाइंडर एंड की लेफ रिमांइर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको महिंदा स्कॉपियो के टॉप वेरियन के साथ चार कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको इधर नपोली ब्लैक आप ये देख रहे हैं इसके अलावा आपको मिलेगा मोल्टन रेड डी सेट सिल्वर एंड पर्ल व्हाइट जैसे कलर ऑप्शंस और कुछ ऐसे देखते हैं इसके एल ई ऑन होने के बाद विट टन इंडिकेटर एंड फ्रंट फॉक लैम्प्स डी का फीचर नहीं मिलता आपको महिंदा स्कॉपियो में आटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलेम्प्स का फीचर मिलता है आपको इधर स्टेटिक बेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ इसके फ्रंट फॉक लैम्प्स और कुछ ऐसे देखते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलेम्प्स ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखती है फ्रंट प्रोफाइल लुक जून 2002 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी महिंद्रा स्कॉपियो इंडिया में और ये पहला वहीकल था महिंद्रा ग्रुप की तरफ से जो बना था ग्लोबल मार्केट्स के लिए तीन जगह इसकी असेंबली होती है नॉड एक्स मॉन्टेविडियो यूरिग्वे बवेरिन ऑटो ग्रुप इजिप्ट एंड महाराष्ट्र इंडिया में एंड हाई भी मिलते हैं आपको इसके मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्स के साथ ये भी मिलेंगे आपको हेलोजन बल्ब के साथ कुछ ऐसी लगती है फ्रंट प्रोफाइल लुक कई सारी कंट्रीज में इसको महिंद्रा गोवा के नाम से भी जाना जाता है एंड स्कॉर्पियो का एक पिकअप वर्जन भी आता है जिसके कई सारे नाम है लाइक महिंद्रा पिकअप महिंद्रा गोवा पिकअप महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे के नाम से उसकी असेंबली होती है महाराष्ट्र इंडिया एंड डर्बन साउथ अफ्रीका में एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट मिलेगी आपको हेलोजन बल्ब में टॉप पिंट के साथ मिलती है आपको एक रिमोट की लॉक अनलॉक एंड सारे बटन के साथ फ्लिप की का फीचर मिलता है आपको इधर इस रिमोट की पे दूसरी की मिलती है आपको नॉर्मल यहाँ मिल जाता है आपको महिंद्रा का लोगो आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं बेज कलर की मिलती है आपको डोर पार्डिंग ब्लू फैब्रिक इंसर्ट के साथ फ्रंट टू डोर्स पर मिलते हैं आपको स्पीकर का फीचर जो रेयर डोर्स पे देखने को नहीं मिल रहा था यहाँ पे मिलता है आपको ब्लैक एंड साइड डोर हैंडल लॉक अंड लॉक बटन सिल्वर एक्सेंट का काम यहाँ पे है फैब्रिक इंसर्ट स्टोरेज स्पेस डोर माउंटेड आमरेस्ट हार्ड प्लास्टिक के साथ ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलेगा ये रेयर पावर विंडोज़ को लॉक करने के लिए स्पीकर फ्रंट में पॉकेट यहाँ पे बॉटल होल्डर का फीचर देखने को नहीं मिल रहा फ्रंट टू डोर्स पे और यहाँ पे मिलता है आपको पडल लाम का फीचर जो मिलता है आपको एलईडी में और ये स्कफ़ प्लेट की एसेसरी जो लगी है सत्ताईस सौ रुपये में चार स्कफ प्लेट्स कापियों की ब्रांडिंग के साथ और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से ड्यूल टोन में मिलता है आपको इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज कलर विथ सिल्वर एक्सेंट यहाँ पर मिलती है आपको ब्लैक फॉक्स लेदर सीट्स यहाँ पर मिलेगा आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फ़ीचर ये रिक्लाइन के लिए और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड कुछ ऐसी मिलती है आपको क्वालिटी ये मिलेगा आपको ब्लू फैब्रिक इंसर्ट के साथ कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी सीट्स ये है इसका सेवन कैप्टन सिटिंग ऑप्शन जो मिलता है आपको टॉप वेरियंट के साथ ही इसी वेरियंट में आपको सेवन साइड फेसिंग एंड एट फ्रंट फेसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे मिलेगा आपको क्रोम इंसर्ट इसी वेंट के सराउंडिंग में यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट है इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं रियर रियडी फॉगर शोल्डर खोलने के लिए हडलम्बी में एडजस्ट नॉब एंड ओ को एडजस्ट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिकली इग्निशन स्विच मिलता है आपको एलुमिनेटेड और यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन पोनेट को इधर मिलता है आपको लीवर ये इसकी पैडल पोजिशनिंग डेड पैडल भी आपको मिल जाएगा आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से महिंद्रा स्कॉपियो के टॉप पीरेंट का यहाँ मिलता है आपको लेदर आप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एक्सन का काम ये इसका हॉर्न थम कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको इधर बहुत ही जल्द इसका फोर्थ जनरेशन मॉडल भी लॉन्च होने वाला है एन ईसी जनरेशन में आपको फेस्लिप मॉडल भी देखने को मिल जाएगा स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल एंड वॉइस कमांड का फीचर लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स टेल स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के हर वेरियंट में टेलीस्कोपिक नहीं मिलता राइट हैंड साइड पर मिलेंगे आपको लाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल्स ऑटो हेडलैम का फीचर मिलता है ये है प्रॉब्लम के कंट्रोल ये है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स फॉर द फ्रंट एंड रियर सेक्शन यहाँ मिलता है आपको क्रोमिनसर्ड ए सी विंड्स पे यहाँ से आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं सेवन इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको इधर ऑटोमेटिक ए सी उसके नीचे है हज़ार लाइट का स्विच और उसके साथ में मिलता है आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन ऑन या ऑफ इधर से आप कर सकते हैं और यहाँ पे है यू एस बी एनऑक्स के पोर्ट्स ट्वेल्व वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट उसके साथ में है डीप स्टोरेज स्पेस मोबाइल फ़ोन रखने के लिए और यह है इसका सिक्स स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स सिल्वर इंसर्ट के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो में यहाँ पे है डार्क ग्रे फिनिश फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको इधर इधर मिलता है आपको एंटी स्लिप मैट के साथ स्टोरेज स्पेस इधर है दो कभी होल्स एक बड़ा और एक छोटा इधर आप आराम से बॉटल रख सकते हैं हैंड ब्रेक मिलती है आपको सिल्वर टिप के साथ रियर ए सी विंट इंडिविजुअल आमरिस मिलते हैं आपको फ्रंट टू सीट्स पे लाइक सेकेंड रो यहाँ पे मिलता है आपको फॉक्स लेदर सीट अपोस्ट्री का फ़ीचर ये मिलेगा आपको सिर्फ टॉप फिर के साथ ही सिल्वर एक्सेंट कॉपियों की एम्बॉसिंग मिलती है आपको क्रोम इंसर्ट के साथ आप देख सकते हैं ये इसका ग्लव बॉक्स जो आपको कोल्ड cool इफेक्ट के साथ नहीं मिलता है कुछ इतना मिल जाएगा आपको स्पेस फ्रंट टू डोज पे मिलता है आपको स्पीकर का फीचर एंड पसंदर साइट वाइजर पर आपको वैनिटी मिरर का फीचर मिलेगा यहाँ पे मिलता है आपको सन ग्लास होल्डर उसके पीछे है ब्लूटूथ माइक आयर भी मिलेगा आपको एडजस्टेबल एंड ड्राइवर साइड वाइजर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फीचर देखने को नहीं मिल रहा इवन इन टॉप वेरिएंट और कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड लुक ड्राइवर सीट से स्कॉपियों के अदर वेरिएंट्स एंड महिंद्रा के अदर मॉडल्स के रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन से अंडर महिंद्रा रिव्यूज आइए गाड़ी कौन करके देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लू कलर की मिलेगी आपको यहाँ पे एलमिनेशन लाइट सिल्वर एक्सन का काम देखने को मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको आरपीएम मीटर राइट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर बीच में मिलेगा आपको एमआईडी एस एम आई डी के नीचे मिलते हैं आपको दो नॉब्स इधर से आप रीसेट एंड सेट कर पाएंगे डुबल ट्रिप मीटर्स भी आप इधर से ही एक्सेस कर पाएंगे ट्रिप ए एंड ट्रिप बी और इधर से आप रीसेट कर पाएंगे और यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स का फीचर उसके साथ पे हैं डिजिटल टेम्परेचर मीटर एंड डिजिटल फ्यूल मीटर यहाँ मिलता है आपको सेवन इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले यूएस बी ऑक्स ब्लूटूथ एंड रेडियो को इन्फोटेनमेंट के थ्रू आप कई सारी कार इन्फॉमेशन भी पा सकते हैं इधर मिलता है आपको अलग से कॉलम कार इन्फो का उधर आपको देखने को मिल जाएंगे कई सारे फीचर्स एवरेज माइलेज डिस्टेंस टू एम टी रीसेट भी आप इधर से ही कर पाएंगे टायर ट्रॉनिक्स का फीचर मिलता है आपको टॉप वेन के साथ ही जो आप सामने देख रहे हैं और दो में ये फीचर अवेलेबल नहीं है टायर ट्रॉनिक्स का फीचर मिलेगा आपको पाँचों टायर्स के लिए इंक्लूडिंग स्पेयर टायर बढ़िया फ़ीचर उसके नीचे मिलता है आपको अलर्ट इन्फॉर्मेशन का फीचर और उसके नीचे है सर्विस इन्फॉर्मेशन ई मैनुअल इधर से आप वेरियस ई मैनुअल पा सकते हैं और ये सेटिंग्स सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जर्नल सेटिंग्स डिस्प्ले की सेटिंग्स इधर से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हैं एक e क्लॉक की सेटिंग्स रेडियो की सेटिंग ब्लूटूथ की सेटिंग कई सारी देखने को मिल जाएगी आपको टोटल फोर स्पीकर्स मिलते हैं आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के टॉप पेरियट के साथ वन टू डोर्स एंड टेल गेट पर मिलते हैं आपको स्पीकरस ऑटो हेडलेम्स एंड ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स को अनेबल या डिसेबल आप इधर से कर सकते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक असिस्ट का फीचर मिलता है आपको टॉप पे के साथ और यहाँ पे डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाएंगे ये नाविगेशन के लिए उसके साथ में है सेटिंग्स का बटन इधर से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ये कार इन्फॉर्मेशन होम बटन उसके साथ में है ब्लूटूथ बटन और उसके साथ में है म्यूज़िक का बटन ब्लू कलर की एलिमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको हर दस में जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे भी देखने को मिल जाएगा एंड पावर विंडो के स्विचेस पे भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे मिलता है आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर टोटल छः ए सी इवेंट्स मिलते हैं आपको ये इसकी ब्लोअर स्पीड मैक्स सी का बटन देखने को नहीं मिल रहा इधर पीछे मिलते हैं आपको दो ए सी इवेंट आगे मिलेंगे आपको चार ए सी इवेंट्स और यहाँ मिलता है आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये भी आपको एलुमिनेटेड मिलता है ट्वेल्व वोल्ट का पावर एस सॉकेट एंड पावर विंडो के स्विचेस भी आपको एलुमिनेटेड मिलेंगे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की एलुमिनेशन लाइट मिलती है आपको वन टच अप एंड वन टच डाउन का फीचर मिलेगा आपको ड्राइवर साइड विंडो पे विद एंटी पेंच ये फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे ही और इधर से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे ओ को फोल्डेबल का फीचर नहीं मिलता आपको इधर कुछ ऐसा मिलता है आपको लुक गाड़ी को ऑन करने के बाद फ्रंट डैशबोर्ड का यह है इसका टॉप वेरिएंट डोर हजार वार्निंग की बात करें तो इधर देखने को मिलती है आपको डोर हजार वार्निंग आप देख सकते हैं आई गाड़ी को ऑफ कर देते हैं एंड पडल लैंप्स की बात करें तो आपको फ्रंट टू डोर्स पे देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं फ्रंट पैसेंजर डोर के नीचे भी आपको पडल लैंप का फीचर देखने को मिल जाएगा जो मिलता है आपको एलईडी में जो प्लेसड है इधर स्पीकर के नीचे स्कॉपियो की इसका अपलेट जो है एसेसरी का पार्ट कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं इस लीवर के थ्रू आप खोल सकते हैं इंजन बोनेट को यहाँ मिल जाता है आपको हाइड्रोलिक हाइड्रॉलिकसिस्टेंट बोनेट का फीचर महिंदा स्कॉपियो के हर वेरिएंट में डांपिंग भी देखने को मिल जाती है आपको फॉर द बेटर इंसुलेशन इधर मिलता है आपको सिंगल इंजन ऑप्शन जो है 2.2 लीटर एम हॉक डी वन फोर्टी ई डीजल इंजन फोर सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है वन फोर्टी की पावर थ्री ट्वेंटी एन के साथ आता है सिक्स पिन मानवल गेरबॉक्स के साथ ही ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको महिंदाज कॉपियों में यहाँ मिल जाता है आपको चेसी नंबर एमरॉन की बैटरी देखने को मिल रही है इधर तो कैसा लगा आपको महिंदा कॉपियों का ये टॉप पेरियट आपके हिसाब से वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है कि नहीं कमेंट्स में बताइए आप वेट करेंगे फॉर द फोर्थ जनरेशन मॉडल या इसी को डायरेक्टली बाय करेंगे जो अवेलेबल है हैवी डिस्काउंट्स के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग